नासी नवा के आगे के नासी सिंध हाई कोर्ट में कराची हैदराबाद में मकानी चूंडन में देर बाबत दरख्वास्त बुधन थी है। जमात इस्लामी पीटीआई पारा बल्दियाती चूंडू कराने की दरख्वास्त कई वही है। जमात इस्लामी पीटीआई इलेक्शन कमीशन जा वकील पेश थे। जॉइंट इलेक्शन कमीशनर सिंध इस्कर सियाल ए वकील पिण पेश थे। अदालत डीजी रेंजेस आईजी सिंध की कें भी नुमाइंदे के सूमर से पेश थी रिपोर्ट जमा कराने को हुक्म दी चुको है। सिंध हाई कोर्ट में कराची हैदराबाद में मकानी चूंडन में देर बाबत दरख्वास्त बुधनी थी है। जमात इस्लामी पीटीआई पारा बल्दियाती चूंडू कराने की दरख्वास्त कई वही है। जमात इस्लामी पीटीआई इलेक्शन कमीशन जा वकील पेश थे। कराची में तफसील माल कंदी इसहाक सरकी का जी इसहाक आग कजो सिंध हाई कोर्ट में कराची हैदराबाद में बल्दियाती चूंडन वो मामलो है जैमें जमायत इस्लामी पीटीआई पारा बल्दियाती चूंडू कराने के हवा से जी दरखास्त है उनसे बुधनी थी है। जैमें जमायत इस्लामी पीटीआई जे वकील अदालत में पेश थे जैसे त इलेक्शन कमीशन पारा जो वकील पेश है। जैमें अदालत पारा डीजी रेंजर सिंध आई जी सिंध के नुमाइंदन का जी अखबारी रिपोर्ट हुई जमा कराने का हुक्म दई छो है। जैमें बल्दियाती चूंडू कराने के हवा से जी तफसीली रिपोर्ट आ हर सूरत में पेश कर हुक्म दई छो अदालत। जैमें इलेक्शन कमीशन पारा चूंडन के हवा से 9 नवंबर से एकड़ो अहम इजलास तलब किया हो जो नी सको उन्हों जो चवण है तो 9 नवंबर से आम मोकल हुई जैसे करो इजलास है वो 15 नवंबर से जो घुरा वो इजलास मुलतवी थे जो इलेक्शन कमीशन पारा जो 9 नवंबर न थो। इलेक्शन कमीशन पारा जो वो है तो चूंडू कराने के लिए तैयार हूं पर सिंध हुकूमत जे मसला उ अगर अचन पा पुलिस जी है वह बोर्ड मतासर में कम कर रही है। जैसे त कराची हैदराबाद जिलों में जी सूरत हाल है वह तमाम खराब है। इन हवा से एक हफ्ते के अंदर जी तारीख है वह दिनी वे जैसे त अदालत पारा जी केस की बुधनी है वह सूमर जो मंझंद जो 12 बजे ती मुकर कई हुई है। जैमें जो यह हिदायत कई हुई है तो जे भी नुमाइंदा मेहरबानी साग तफसील लेने लाए।